हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 HP सिंगल फेज समर्सिबल मोटर को हम कितने घंटे तक लगातार चला सकते हैं या इसको चलाया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा दोस्तों हम बात कर रहे थे कि 3 HP सिंगल फेज समर्सिबल मोटर को हम कितने घंटे तक लगातार चला सकते हैं या इसको चलाया जाना चाहिए, तो ये कुछ बातों पर निर्भर करता है। पहले तो वोल्टेज, यानी कि जो सिंगल फेज समर्सिबल मोटर होती है उसको 220 वोल्टेज होनी चाहिए, तभी वह सही तरीके से काम करती है। इसके अलावा दूसरी जो बात हो जाती है दोस्तों वो है केबल, यानी कि जो मोटर है उसकी केबल कितने mm की है। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है 3 HP जो सिंगल फेज समर्सिबल मोटर होती है उसके लिए आपको कम से कम 4 square mm की जो केबल है वो लगानी चाहिए, तभी आपकी जो केबल है वो कम गर्माएगी। इसके अलावा दोस्तों ये स्टार्टर के ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो स्टार्टर है हमें दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक होता है बिना ऑयल वाला और दूसरा होता है ऑयल वाला। तो ये भी इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका जो स्टार्टर है वो कैसा है। वैसे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जो समर्सिबल मोटर है वह पानी के अंदर रहती है और उसके अंदर पानी भी भरा हुआ रहता है, तो उसमें आपको जो ईटिंग है उसकी समस्या देखने को नहीं मिलती है। यानी कि कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो समर्सिबल मोटर है तो वह पानी के अंदर रहने की वजह से ईटिंग नहीं होती है और इसको लंबे समय तक चलाया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपको समर्सिबल लंबे समय तक चलानी है, यानी कि ज़्यादा घंटे चलानी है, तो आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि जो 3 HP की समर्सिबल मोटर है उसको आप 8 से 10 घंटे तक आराम से चला सकते हैं, लेकिन इसमें जो केबल है वह 4 square mm की और जो स्टार्टर है वह ऑयल वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो वोल्टेज है वो भी सही होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर वोल्टेज कम होंगे तो जो मोटर है वो एम्पेयर ज़्यादा लेगी और एम्पेयर ज़्यादा लेगी तो जो केबल है या वह ज़्यादा गर्म होगी और जो आपकी केबल है गर्म होने के कारण वह खराबी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो स्टार्टर है तो स्टार्टर आपको ऑयल वाला ही यहाँ पर यूज करना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टर होता है तो उसकी हीटिंग कम होगी ऑयल वाले में, और जो आप अगर दूसरा स्टार्टर यूज करते हैं बिना ऑयल वाला तो उसमें हीटिंग की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसे में आपका जो स्टार्टर है वो भी खराब हो सकता है। तो अगर आप रोज़ 8 से 10 घंटे या 12 घंटे चलाना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके से आप जो समर्सिबल मोटर है 3 HP की उसको 8 से 10 घंटे तक आराम से चला सकते हैं। वैसे दोस्तों ये इसको 24 घंटे भी लगातार चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।